हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सीआरओ जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीआरओ, राइट। तो देखो, एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन को मैं पिक किया हूँ। देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट, और उसको हम अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर देखिए क्या लिखा हुआ है। द टेक्निक ऑफ एडिंग अ प्रिसाइज अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द ट्रिगर पॉइंट एंड बिगनिंग ऑफ द स्कोप स्वीप इन अ सीआरओ इज नोन एज। स्वीप का मतलब क्या होता है? स्वीप मतलब आपका जो सॉ टूथ वेव होता है, जो आपका HDP पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में अप्लाई किया जाता है, उसी को स्वीप बोला जा रहा है। तो क्या होता है कि हम एक छोटा सा अमाउंट ऑफ टाइम, प्रिसाइज अमाउंट ऑफ टाइम ट्रिगर पॉइंट और स्कोप स्वीप के बीच देते हैं, उस चीज को क्या बोला जाता है? उस चीज को बोला जाता है, यहां पे हमारे ऑप्शंस में दे बोलता हूं मैं, डिलेड स्वीप। ठीक है, डिलेड स्वीप। तो ये पॉइंट हमने लेक्चर के दौरान नहीं कवर किया था, पर एसएससी जेई में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम नोट करके लिखेंगे। क्या कि डिलेड स्वीप क्या होता है? डिलेड स्वीप क्या होता है? डिलेड स्वीप होता है द टेक्निक ऑफ एडिंग अ प्रिसाइज अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द ट्रिगर पॉइंट एंड बिगनिंग ऑफ द स्कोप स्वीप इन अ सीआरओ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इस पॉइंट को? पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इस ऑप्शन को टिक करेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे डिलेड स्वीप का डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन? द टेक्निक ऑफ एडिंग अ प्रिसाइज अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द ट्रिगर पॉइंट एंड बिगनिंग ऑफ द स्कोप स्वीप इन अ सीआरओ। ठीक है, तो ये क्या है, हम खुद से जानबूझ के एक प्रिसाइज अमाउंट ऑफ टाइम का डिले प्रोवाइड करते हैं, जो अपना सॉ टूथ वेव अब जो अप्लाई कर रहे हो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में, उसको अप्लाई करने में थोड़ा सा डिले करते हैं, राइट। तो ये इसी को बोला जाता है डिलेड स्वीप, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था एसएससी जेई में, इसलिए मैंने इसको पिकअप किया, क्योंकि ये चीज हमने डिस्कस नहीं किया था अपने थ्योरी पार्ट में। तो एक क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे हमको नया चीज भी सीखने को मिल गया, डिलेड स्वीप का डेफिनेशन मिल गया, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं कि ये हमारे लेक्चर में था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर टू देखो, इन अ सीआरओ अ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज डिस्प्लेड। ठीक है, एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले हो रही है। द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी दैट कैन बी मेड आउट बाय ऑब्जर्वेशन इज, मतलब कि अगर आपका ये सीआरओ है और इस सीआरओ में आपका एक क्वांटिटी डिस्प्ले की जा रही है, ठीक है, साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले की जा रही है। तो ये देखो, ये सपोज करो ऐसे कुछ आपका सिग्नल दिया जा रहा है, तो आप इस सिग्नल को देख के क्या क्या चीज आप सिग्नल को देखकर बोल सकते हो, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखो, द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी दैट कैन बी मेड आउट बाय ऑब्जर्वेशन, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन से ही क्वेश्चन, मतलब कि सीआरओ के सिग्नल को देखते ही आप क्या क्या चीज पे कमेंट कर सकते हो। तुम्हें को बताओ, आरएमएस वैल्यू, जी हाँ, हम आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो हमें लेक्चर में सीख लिया था, पर ये तो हमारा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, हमें पूछा जा रहा है ऑब्जर्वेशन से, मतलब सिग्नल को देखा और बताया कि हाँ ये चीज है। तो वो चीज हमें क्या देखने को मिल रही है यहां पे? सिर्फ और सिर्फ ये पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, ये पीक टू पीक वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, वी पीक टू पीक वैल्यू, या तो फिर मैं सिर्फ पीक टू पीक वैल्यू लिखता हूं, पीक टू पीक वैल्यू। ये चीज हमें सिर्फ सिग्नल को देखते ही या ऑब्जर्व करते ही पता चल रही है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, राइट। तो यही चीज है कि अगर हमारा कोई भी क्वांटिटी दिया हुआ है या साइन वेव दिया हुआ है, तो हम उसके पीक टू पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, पर हाँ जरूर इससे हम आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट, और दोनों अगर आ गया तो हम फॉर्म फैक्टर भी निकाल सकते हैं, पर ये हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व करते टाइम हमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, पीक टू पीक वैल्यू दिखेगा। अब अगर हमको आरएमएस वैल्यू निकालना ही है इस सिग्नल का, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है बहुत अच्छे से हम लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि आपका आरएमएस वैल्यू वो किसके इक्वल होता है, वी पीक टू पीक, ठीक है। ये पूरा का पूरा इतना आपको पता चल जा रहा है कि पीक टू पीक कितना वैल्यू है, आपको क्या करना है, आरएमएस वैल्यू आपका इक्वल होता है वीएम बाय रूट टू के, ठीक है। तो इसमें से वीएम मतलब क्या है, इतना ये एरिया है, ये एरिया आपका क्या है, वीएम है, मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये एरिया अगर वीएम है, और वीएम किसके इक्वल है, वीएम इक्वल है मेरे वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाय टू, और रूट टू तो एज इट इज है। तो ऐसे करके आप आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो ये चीज आप आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो, पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आप क्या चीज मेड आउट कर सकते हो क्वांटिटी के बारे में, तो हम जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन उस क्वांटिटी का पीक टू पीक वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट, ये बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी हुआ। थर्ड क्वेश्चन में, इन अ कैथोड रे ट्यूब द फोकसिंग एनोड इज लोकेटेड, फोकसिंग एनोड, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सीआरओ का पूरा बड़ा सा डायग्राम बनाया था, है ना, उसके बाद ही मैंने आपको टर्म्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करके दिखाया था कि क्या क्या, जो भी क्वांटिटी है, जो भी आपका इक्विपमेंट है वो क्या क्या फंक्शन कर रहा है। तो उसमें आप पेज पलटा कर देखिए कि सीआरओ के कैथोड रे ट्यूब में कौन से जगह पे फोकसिंग एनोड था, तो आप नोटिस करेंगे कि कैथोड रे ट्यूब में फोकसिंग एनोड आपका बिटवीन प्री एक्सेलरेटिंग एंड एक्सेलरेटिंग एनोड के बीच में था, है कि नहीं। तो प्री एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड के बीच में आपका क्या आता है, फोकसिंग एनोड आता है। फोकसिंग एनोड में और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, कि आपका डबल इलेक्ट्रॉन कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है ना, डबल इलेक्ट्रॉन कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और इसे हम क्यों यूज करते हैं, इसे हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने इलेक्ट्रॉन बीम्स को एक पॉइंट पे फोकस कर सकें, राइट। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में आए हुए हैं, है ना। तो इसलिए मैंने इस चीज को पिक किया, जिसमें से क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा हमने अच्छे से कवर कर लिया था अपने लेक्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू में, और क्वेश्चन नंबर वन था जो चीज हमें नया सीखने को मिला इस क्वेश्चन को अटेंड करते समय। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया ताकि मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूं डिलेड स्वीप का, राइट। तो आप क्या करेंगे, पता है, जो भी चीज आप मेजरमेंट पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सही तरीका किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का यही होता है कि पहले आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उसके आप पूरे प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते चले। कई लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या कुछ ऐसे रफ में लिख लेते हैं, पर वो चीज आपको बाद में काम नहीं आएगी। कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, एक अच्छे टीचर को पकड़ो, मैं ही नहीं, कोई अगर आपको और अच्छा टीचर मिल रहा है तो उसको आप पकड़िए, और उसके पूरे नोट्स को, उसके पूरे पॉइंट्स को, एक एक चीज को आप लिख लीजिए, तो आपका एक सब्जेक्ट का नोट्स पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, तो आपको कहीं और रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करो, आप जो आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आईईएस का कर रहे हो, गेट का कर रहे हो, या एसएससी जेई का कर रहे हो, उसके क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने स्टार्ट कर दो, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। देखो कि आप जो लेक्चर में पढ़े हो क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जो होते जा रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं हो रहे हैं उसको आप अपने नोट्स में लिखते जाओ, उसको उस पॉइंट को ऐड करते जाओ, राइट। तो ऐसे करके आपकी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, तो ये मेरा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है। तो देखिए, ये भी आपके एसएससी जेई में आए हुए हैं, चलिए इन्हें अटेम्प्ट करते हैं। और ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट थ्योरी से नहीं बनेंगे, तो इसमें आपका न्यूमेरिकल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप देखते हैं आपकी आप कितने अच्छे से जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था लिसाजस पैटर्न के बारे में, सीआरओ स्क्रीन के बारे में, वो आप कितने अच्छे से समझे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे सॉल्व करने से पहले अभी आप वीडियो पॉज कीजिए और एक बार इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, राइट, ठीक है। तो आई होप आप सिंसियर स्टूडेंट होंगे और आपने खुद से एक बार ट्राई किया होगा, राइट। तो सही आंसर आया चाहे गलत आंसर आया वो मैटर नहीं करता, आपका कोशिश मैटर करता है, राइट। चलो सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ लिसाजस पैटर्न ऑन एन ऑसिलोस्कोप हैज फाइव हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज, फाइव हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज, कितनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज है, फाइव, एंड टू वर्टिकल टेंजेंसीज, टू वर्टिकल टेंजेंसीज, राइट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉरिजॉन्टल इनपुट इज 100 हर्ट्ज, हॉरिजॉन्टल इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितने, 1000 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल इनपुट विल बी, वर्टिकल इनपुट की
फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो यहां पे हमारा क्या फॉर्मूला होने वाला है, यहां पे हम अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिसा जस पैटर्न, जो कि एप्लीकेशन है लिसा जस पैटर्न का, राइट। तो अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हो आप फाइंड आउट करते हो इस फॉर्मूला से, एफ वाई अपॉन एफ एक्स, एफ वाई अपॉन एफ एक्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज या इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज डिवाइडेड बाय या फिर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रहे एफ वाई के साथ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज हो गए, है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज या इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन वैसे ही डिवाइडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज या इंटरसेक्शन, राइट, वर्टिकल टेंजेंसीज और इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आप यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे, एफ आई के साथ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज और इंटरसेक्शन, एफ एक्स के साथ वर्टिकल टेंजेंसीज या इंटरसेक्शन, और मैक्सिमम नंबर के ऊपर जाना है। तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, कि एफ एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 1000, ठीक है। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज मतलब कि एफ वाई हमारा अननोन है, एफ एक्स हमारा 1000 हो गया यहां पे, और हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी कितनी है भाई 5 है, और वर्टिकल टेंजेंसीज हमारी कितनी है 2 है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो एफ वाई कितना आ जाएगा मेरे पास, एफ वाई मेरे पास आ रहा है 5/2 इंटू 1000, दैट इज इक्वल टू 2500 हर्ट्ज, है ना, 2500 हर्ट्ज। तो कौन सा है, ऑप्शन बी, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन आपको, मुझे लगता है कि आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था, और बहुत सारे स्टूडेंट जरूर सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेस करने को मिलेंगे, और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था आपका एसएससी जेई में, ठीक है। तो अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन हमारा, जो हमारे सिंपल फॉर्मूला से बन गया, जो हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन अ सीआरओ स्क्रीन हैज 10 डिवीजन, कितने डिवीजन है भाई, 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन कहां पर है, ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल में 10 डिवीजन है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है पता है आपको, कि ये बोलना चाह रहा है कि ये अगर आपका सीआरओ स्क्रीन है, ये आपका सीआरओ स्क्रीन है, तो ये कितने डिवीजन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डिविजन्स, ऐसे 10 डिविजन्स हैं आपके हॉरिजॉन्टल स्केल पे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 डिविजन्स हैं। इफ वोल्टेज सिग्नल ऑफ 5 sin 314 t प्लस 45 डिग्री इज एग्जामिन्ड विद अ टाइम बेस सेटिंग ऑफ 5 मिली सेकेंड पर डिविजन, यूनिट ध्यान रखोगे आप, मिली सेकेंड की बात की जा रही है, मिली सेकेंड मतलब ये क्या, ये आपका वाई एक्सिस का डिविजन बता रहा है या फिर एक्स एक्सिस का, तो मिली सेकेंड पर डिविजन मतलब ये क्या, ये आपका एक्स एक्सिस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो एक डिविजन जो है, एक डिविजन जो है, ये एक डिविजन वो कितने का है, 5 मिली सेकेंड को डिनोट कर रहा है, ये एक डिविजन 5 मिली सेकेंड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और टोटल कितने डिविजन है हमारे पास, 10 डिविजन है ऐसे करके, समझ में आया, ये सीआरओ है पूरा जिसके 10 डिवीजन है और एक डिवीजन 5 मिली सेकेंड को बता रहा है। द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ सिग्नल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन विल बी, अब हमें बताना है कि इस सीआरओ स्क्रीन पे आपके कितने साइकल्स दिखेंगे इस सिग्नल के, ठीक है, इस सिग्नल के कितने साइकल्स दिखने वाले, ये दे बताना है। तो सबसे पहली बात, मुझे पहले ये बता दो कि इस सीआरओ स्क्रीन में मैक्सिमम टाइम कितना डिस्प्ले किया जा सकता है, मैक्सिमम टाइम कैसे डिस्प्ले के पता चलेगा हमें, कि मैक्सिमम टाइम डिस्प्लेड मतलब कि क्या, टी मैक्स अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डिवीजन इनटू टाइम बेस सेटिंग, मतलब एक डिवीजन का कितना टाइम है, टाइम बेस सेटिंग,
तो ये किसके इक्वल आ गया भाई, देखो 10 इंटू 5 मिली सेकेंड, 10 डिवीजन इंटू 5 मिली सेकेंड पर डिवीजन, कितना हो गया, डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो गया, कितना हो गया टोटल 50 मिली सेकेंड, है कि नहीं। तो मतलब कि आपका जो इतना पूरे डिवीजन में यहां से यहां ये पूरे 10 डिवीजन को अगर आप यूज करोगे तो ये आपका पूरा 10 डिवीजन कितना कितना टाइम को बताएगा, ये आपको दिखाएगा 50 मिली सेकेंड को डिनोट कर रहा है ये पूरा 10 डिवीजन, राइट, 50 मिली सेकेंड को। अब मुझे बताना है कि इस सिग्नल कितने साइकल्स आएंगे, तो सिग्नल की भी टाइम पीरियड मुझे निकालनी होगी। वो कैसे निकालोगे, बहुत ही ईजी है। ये क्या गिवन है आपका, ये आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, मतलब ये क्या ओमेगा कितना गिवन है, 314 गिवन है भाई, है ना। तो यहां से हमको फ्रिक्वेंसी पता चल जा रही है, कितना पता चल जाएगा, ये 314 डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दोगे आप तो आपको कितना मिल गया, यहां पे आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो यहां से आपको पता चल गया कि फ्रिक्वेंसी 314 अपॉन 2 पाई है, जो कि इक्वल टू आपके 50 हर्ट्ज आ जाएगी, है कि नहीं, राइट, 50 हर्ट्ज आ गया। टाइम पीरियड बता दो भाई, यहीं से टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड हो गया 1 बाय एफ, जो कि इक्वल टू है 1 बाय 20, है कि नहीं, 1 बाय 50, तो ये आपका आ गया 0.02 सेकेंड। ये आ रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं, राइट, तो मुझे तो यही लग रहा है, कैलकुलेटर से एक बार देख लेता हूं मैं, 1 बाय 50 0.02, राइट, 0.02 सेकेंड आ गया। ये आपका टाइम पीरियड आया ऑफ सिग्नल का, टाइम पीरियड आया सिग्नल का। अब मुझे निकालना है कितने साइकल्स होंगे, तो साइकल्स कैसे पता लगेगा भाई, जब एक साइकिल, मतलब कि एक साइकिल आपका कितना है यहां पे सिग्नल का 20 मिलीसेकंड का, है ना, एक साइकिल आपका 20 मिलीसेकंड ले रहा है, तो टोटल 50 मिलीसेकंड में कितने साइकिल आ पाएंगे, सिंपल सी बात है, क्या करोगे आप, नंबर ऑफ साइकिल्स इज इक्वल टू टी मैक्स, जितना आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड है, मैक्सिमम टाइम आपका शो हो सकता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू 50 बाय 20 इज इक्वल टू 2.5 साइकल्स, 2.5 साइकल्स, ये देखो 2.5 जो कि है आपका ऑप्शन सी। इसको अगर आपको ड्रॉ करना होगा तो मैं कैसे दिखाऊंगा, कि ये आपका हो गया, यहां से आया एक साइकिल, ठीक है, एक साइकिल, दूसरा साइकिल, ठीक है, ये पूरा वन साइकिल हुआ, फिर ये आपका एक साइकिल हुआ, और ये ऐसे, तो आप देखो काउंट करो इतना कितना हो रहा है, ये पूरा आपका वन साइकिल, फिर ये हो गया आपका टू साइकिल, इसको भी वन कर देता हूं, ये आपका 0.5 साइकिल। तो ऐसे करके आपका सिग्नल आपका शो होगा, जो कि इक्वल टू कितना होगा 2.5 साइकिल्स। तो ये आपको मैं पूरा एकदम स्लो स्लो करके पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं सॉल्व करके बताया। एग्जाम में आपको इतना डिटेल में नहीं सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन देखते ही ओरली ही आपको डायरेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, पर अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी हमको समझना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आराम से स्लो स्लो की, अगर आप लेक्चर में समझ नहीं पाए होंगे तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप अब समझ चुके होंगे कि साइकिल्स कैसे निकालते हैं हम सीआरओ के थ्रू, है ना, कैसे सिग्नल कितना आपका शो होगा, इसलिए मैं आपको विजुलाइज करवाने के लिए इसको आपको मैं यहाँ पे शो किया हूँ, राइट। तो ये हमारा 6th और 7th क्वेश्चन है, देखिए ये दोनों क्वेश्चंस भी आपके एसएससी जेई में आए हुए हैं, आइए समझते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, राइट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, द कंडीशन एट विच द फॉलोइंग पोटेंशियल डिवाइडर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, तो ये चीज हमने लेक्चर्स के दौरान नहीं कवर किया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस में रखा है ताकि हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय ही इसका बीच का कॉन्सेप्ट समझ आए, राइट। तो ये होता है देखो कि ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ठीक है, ये आपका VI है, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, है ना, तो ये आपका क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, क्योंकि ये आपका इनपुट वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा R1 और R2 के अक्रॉस, और R2 के अक्रॉस ही आपका आउटपुट वोल्टेज लिया जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या कंडीशन रखें जिससे इस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का जो आउटपुट है, मतलब कि
द फॉलोइंग पोटेंशियल डिवाइडर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि क्या ये पोटेंशियल डिवाइडर इंडिपेंडेंट हो जाए फ्रीक्वेंसी के, तो क्या कंडीशन रखना पड़ेगा? इसका कंडीशन ये होता है कि अगर हम ये टाइम जो ये वाला ब्रांच है R1C1 और R2C2, ठीक है, तो अगर हम ये दोनों ब्रांच के टाइम कांस्टेंट को सेम कर देते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिवाइडर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है, राइट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं टू मेक पोटेंशियल डिवाइडर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ बोथ द ब्रांचेस मस्ट बी सेम, ठीक है, मस्ट बी सेम, मतलब ये क्या टाइम कॉन्स्टेंट कैसे R1C1 मस्ट बी इक्वल टू R2C2, तो यहां पे क्या कंडीशन आ रहा है हमारा R1C1 मस्ट बी इक्वल टू R2C2, राइट, ये कंडीशन आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस इन ऑप्शंस के हिसाब से अरेंज करूं तो मुझे क्या मिलेगा R1 अपॉन R2, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू C2 अपॉन C1, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा R1 upon R2 is equal to C2 upon C1, that is this option is correct। और अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो option D जो है वो हमारा correct है, जो कि ये बोल रहा है कि only option 2 is true, है ना। तो ये आपको सीखना है कि potential divider circuit को अगर हमें independent of frequency करना है तो मुझे time constant of both the branches को सेम करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या होगा R1C1 is equal to R2C2, अगर उसी को मैं घुमा फिरा के लिखूं तो ये क्या हो जाएगा R1 by R2 must be equal to C2 by C1, ठीक है। अब आप देखो कि इसको मैं सीआरओ में क्यों डील कर रहा हूं, इसलिए डील कर रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके सीआरओ में भी आ सकते हैं, और ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है बाय द वे, कि ये दोनों क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई में आए हुए हैं। और देखो ये जो है ना ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, ये एक्चुअल में आपका सीआरओ का इंटरनल सर्किट है, मतलब कि कैसे इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे पूछा जा सकता है, पता है कि R1 और C1 आपके प्रोब के रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस है, और ये R2 और C2 आपके CRO के रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, CRO के रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस है। मतलब कि क्या आपको पता है कि हम जब CRO यूज करते हैं अपने एग्जाम में या कॉलेजेस में जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं, तो हम एक प्रोब एक वायर कनेक्ट करते हैं सोर्स से CRO में, तो वो जो प्रोब होता है जो वायर होता है उसका खुद का इंटरनल कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस होता है, उसके कारण आपका जो सोर्स है उसका वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो इवेंचुअली अंदर में आपके इंटरनल में क्या होता है एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनता है जिसमें कुछ वोल्टेजेस आपका प्रोब में रह जाता है और कुछ आपका सीआरओ में आता है, तो वो जो आउटपुट वोल्टेज है ये सीआरओ का आउटपुट वोल्टेज है। अब यहां पे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, एक क्वेश्चन तो यही कि इस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट को कैसे हम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी करें, तो उसके लिए तो हम टाइम कॉन्स्टेंट को सेम कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि अगर आपको VI मतलब कि इनपुट सोर्स वोल्टेज और आउटपुट सोर्स वोल्टेज इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का रेशियो गिवन है और आपसे पूछा जाए R2 और C2, मतलब कि क्या इनपुट वोल्टेज गिवन है आउटपुट वोल्टेज गिवन है R1 गिवन है C1 गिवन है, R1 और C1 क्या है प्रोब के मतलब कि जो वायर है उसके रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस आपके पास गिवन है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीआरओ का क्या रेसिस्टर और कैपेसिटेंस होगा। ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो उसका भी हम ट्रिक समझ लेते हैं कि देखो यहां पर मैं लिखने वाला हूं कि लेट आपको पहले देखो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में
आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ये आउटपुट वोल्टेज किसके क्रॉस है, R2 के क्रॉस है, तो R2 के क्रॉस है तो ये इक्वल टू हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2, है कि नहीं। और अगर ये C2 के क्रॉस कंसीडर करना है मेरे को, तो C2 के क्रॉस कंसीडर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये लिखा जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2, है कि नहीं, राइट ठीक है। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटर और रेसिस्टर पे अलग अलग चीज लिखाता है, तो ये यहां पे मैंने इस चीज को लिख दिया है इनटू VI इज इक्वल टू इनटू VI, तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया। अब अगर मुझे VI अपॉन VI आउटपुट निकालना है, मतलब कि इनपुट वोल्टेज अपॉन VI आउटपुट निकालना है, और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, K, एक K एक आपका वैल्यू है जो किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। तो उस केस में ये K किसके इक्वल हो रहा है, ये इक्वल हो जा रहा है R1 प्लस R2 अपॉन R2, और ये इक्वल हो जा रहा है किसके, C1 प्लस C2 अपॉन C1। इसको सॉल्व करूंगा मैं तो K किसके इक्वल आ रहा है, VI अपॉन VI आउटपुट, जो कि इक्वल है 1 प्लस R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस C2 बाय C1, है कि नहीं। ये हमको वैल्यू किसका निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है C2 और R2 का, तो यहां से हम R2 और C2 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है कंपेयर करो तो क्या आ जा रहा है, K 1 को इधर लेके आया, K माइनस 1 हो गया, और अगर आप देख रहे हो तो R2 आ रहा है आपका, R2 आ रहा है R1 अपॉन K माइनस 1, राइट ये आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको इसको निकालना है C2 को, तो C2 आपका क्या आ रहा है, C2 आपका आ रहा है C1 K माइनस 1, ये ठीक है। तो यहां पे हमको CRO के कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस भी मिल गए। तो इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है जिसमें K क्या है, K आपका इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का रेशियो है, राइट, आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का नहीं, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का रेशियो है। और इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं कि R2 और C2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बोला जाएगा, तो उस केस में आपको रेशियो गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा, और साथ में प्रोब का रेसिस्टर और कैपेसिटर गिवन होगा वैल्यू, तब आप यहां पे CRO का रेसिस्टर और कैपेसिटर के वैल्यू निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। नेक्स्ट थिंग, दूसरा क्वेश्चन कौन सा था जो ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की ओर, 6th क्वेश्चन हो गया, अब 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेम चीज आपका, अगेन एन एटेन्यूएटर प्रोब है एज शोन इज कनेक्टेड टू एन एम्पलीफायर ऑफ कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रोफेरेड, वैल्यू ऑफ सी दैट मस्ट बी कनेक्टेड अक्रॉस 100K that must be connected to make the overall gain independent of frequency. यहाँ पे 100K के across, यहाँ पे कितना value of capacitor connect करूँ मैं, और देखो 10K amplifier के across जो capacitance है ना, connected to an amplifier of capacitance of 0.1 microfarad, मतलब यहाँ पे आपका 0.1 microfarad connected है पहले से, right? और ये 0.1 microfarad connected है, हमसे पूछा जा रहा है कि इस 100K के अक्रॉस कितना कैपेसिटेंस कनेक्ट करूं ताकि आपका जो ओवरऑल गेन है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाए, जो कि एग्जैक्ट चीज हम पढ़ के आए हैं अभी किसमें, 6th क्वेश्चन में। और आपको मैंने बताया कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट को इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए टाइम कॉन्स्टेंट सेम करना पड़ेगा, तो यहां पे अगेन R1 C1 मस्ट बी इक्वल टू R2 C2। तो अगर मैं इस चीज को यहां पे लिख रहा हूं, ये किसके इक्वल आ रहा है, देखो ये 100K है, 100K इनटू सी, इसको मैं ले लेता हूं C1 इज इक्वल टू कितना, 10K इनटू 0.1 माइक्रोफेरेड, जो कि आपका गिवन, देखो यहां पे गिवन है 0.1 माइक्रोफेरेड वैल्यू ऑफ सी दैट मस्ट बी कनेक्टेड अक्रॉस, सॉरी ये कहां लिखा है, एज शोन इज कनेक्टेड टू एन एम्पलीफायर ऑफ इनपुट कैपेसिटेंस, ये देखो एम्पलीफायर का इनपुट कैपेसिटेंस कितना है, 0.1 माइक्रोफेरेड है, और उसका इनपुट रेसिस्टेंस कितना है, 10K है, राइट। तो उस केस में हमने ये लिख दिया, और C1 आपका कितना आ गया, प्रोब का, ठीक है, द वैल्यू ऑफ सी दैट मस्ट बी
कनेक्टेड अक्रॉस 100 के, 100 के अक्रॉस कितना वोल्टेज कैपेसिटेंस कनेक्ट करना है, तो वो आपका किसके इक्वल हुआ, C के इक्वल हुआ, और वो आ गया आपका 10K इंटू 0.1 अपॉन 100 इज हाउ मच, अगर आप देख रहे हो तो 0.01 माइक्रोफेरेट ये हो जाएगा, ठीक है, 0.01 माइक्रोफेरेट, दैट इज दिस ऑप्शन ए, राइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन तो डेफिनेटली आए हुए हैं एसएससी जेई में, आप अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आपने देखेंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, और अगर फ्यूचर में इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको दो सोर्सेज का मतलब इनपुट और आउटपुट का रेशियो गिवन है और R1C1 गिवन है या R1C1 गिवन है या तो फिर R2C2 गिवन है, तो आप रेशियो से कैसे दूसरे पैरामीटर्स निकाल सकते हो वो इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपका CRO का नहीं है, ये आपका डिजिटल वोल्टमीटर का क्वेश्चन है, राइट। तो डिजिटल वोल्टमीटर में हमारा एक टॉपिक आपका छूट गया था जिसको हम कवर करना जरूरी है क्योंकि इसमें से SSC JEE में ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन के थ्रू ही जो आपका SSC JEE में आया हुआ है उसको मैं लेकर आपको वो कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, समझिए, राइट। तो CRO को जितने क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं हमारे, ये क्वेश्चन किसका है, डिजिटल वोल्टमीटर का है, तो इस क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा क्योंकि ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में है, ठीक है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे क्या बोला जा रहा है, इन अ 3.5 digit वोल्टमीटर, 3.5 digit, 3.5 ये क्या होता है भाई, समझते हैं इस चीज को, द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी रेड इज, लार्जेस्ट नंबर कितना रीड किया जा सकता है उस वोल्टमीटर को यूज करके, ये पूछा जा रहा है। तो 3.5, देखो अगर एक डिजिट का डिजिटल वोल्टमीटर लेता हूं मैं, सिर्फ एक डिजिट अगर आपका डिस्प्ले होता है डिजिटल वोल्टमीटर में, तो कहां से कहां तक वैल्यू लाई करेगी, देखो अगर सिर्फ एक डिजिट है, सिर्फ फॉर वन डिजिट यहां पे लिखता हूं, फॉर वन डिजिट के केस में एक डिजिट का मैंने एक स्पेस दिया, तो ये जो वैल्यू है ये आपका 0 से 9 तक जा सकता है ना, 0 से 9 तक लेकर कोई भी वैल्यू ले सकता है। क्या 10 यहां पे आ सकता है, नहीं, 10 क्यों नहीं आ सकता भाई, क्योंकि यहां पे तो सिर्फ एक ही डिजिट आएगा और 10 में 2 digits है, तो यहां पे 10 0 से 9 तक ही वैल्यू आ सकती है, राइट। तो ये क्या हो गया, फॉर वन डिजिट। अब अगर मुझे इस फॉर वन डिजिट का रिजोल्यूशन के बारे में बात करना हो, तो रिजोल्यूशन के बारे में बात करूंगा, तो रिजोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, क्या है रिजोल्यूशन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन, मतलब कि अपने इनपुट का सबसे छोटा वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हो उसको मैं क्या बोलूंगा, रिजोल्यूशन बोलूंगा। तो रिजोल्यूशन यहां पे कितना आ रहा है, आप फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया 1/10^n, n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स है, जो कि यहां पे कितना है, 1 है, तो यहां पे 10^1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1, तो ये आपका रिजोल्यूशन है कि नहीं, राइट। अगर ये 2 digit की बात होती, फॉर 2 digit, 2 digit में क्या होता कि यहां पे 2 digit आया था यहां पे, तो ये वाला जो वैल्यू है ये डिजिट के लिए 0 से 9 तक आ सकता है, यहां पे भी 0 से 9 तक आ सकता है, मतलब कि यहां पर मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे रीड करनी होगी, मतलब कि लार्जेस्ट नंबर रीड करना होगा, लार्जेस्ट नंबर इन केस ऑफ सिंगल डिजिट में क्या आ सकता है, लार्जेस्ट नंबर यहां पे मेरा 9 आ सकता है ना, यहां पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर 9 आ सकता है। फॉर 2 digit के केस में लार्जेस्ट नंबर क्या आ सकता है, अगेन यहां पे 9 आ सकता है, यहां पे 9 आ सकता है, इसका मतलब फॉर 2 digit लार्जेस्ट नंबर इज 99, 100 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, 100 के 3 digit की जरूरत है, तो यहां पे 100 नहीं आएगा, फॉर 2 digit यहां पे 99 ही आ सकता है, ये लार्जेस्ट नंबर यहां पे शो हो सकता है। अगर रिजोल्यूशन की बात करनी हो तो रिजोल्यूशन कितना आएगा, यहां पे रिजोल्यूशन अगेन आपका हो गया 1/10^2, डिजिट्स कितने हैं, मतलब n किसकी, n की वैल्यू है 2, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स है 2, तो ये हो गया 0.01, है कि नहीं, राइट। अब देखो 3 digit की बात कर रहा हूं मैं, फॉर थ्री डिजिट्स अगेन आपके 3 digits आ गए यहां पे, जो की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं, 0 to 9, अगर मैक्सिमम या लार्जेस्ट नंबर की बात करनी होगी तो यहां पे 9 रख दो, यहां पे 9 रख दो, है ना, तो मतलब कि 3 digits के केस में मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, 999 तक, है ना, 999 तक मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है। इसका रिजोल्यूशन कितना होगा,
1/10^3, that is equal to 0.001, right? 0.001. Now, 3 digits के केस में हो गया, वैसे ही अगर 4 digit की बात करनी होगी तो क्या करूंगा मैं, 4 digits ले लूंगा, वैल्यू कहां तक जाएगी, 9999 तक लार्जेस्ट नंबर आ सकता है कि नहीं, फॉर 4 digit, ठीक है। पर ये तो सिंपल सिंपल हो गया, ये तो समझ में आ गया, पर भाई ये क्या है, ये हाफ डिजिट ही तो सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, ये जो हाफ डिजिट है यही तो हमको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि हाफ में क्या लिखते हैं। तो ये चीज आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर रेंजिंग, हाफ जो होता है आपका वो ओवर रेंजिंग के मतलब होता है, ठीक है, ओवर रेंजिंग द एक्स्ट्रा हाफ इस फॉर एमएसबी, ठीक है, एंड कैन टेक वैल्यू ऑफ 0 or 1, ठीक है, या तो 0 या तो 1 वैल्यू लेगा वो, राइट। तो देखो इसका मतलब अगर मैं 3.5 की बात कर रहा हूं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, 3.5 मतलब पहले तो 3 तो रहेंगे ही, 1, 2, 3, एक और डिजिट आपका शो करने के लिए रहेगा, पर ये जो 3 डिजिट है 1, 2, 3, ये आपके 0 to 9 तक डिस्प्ले कर सकते हैं, ये भी 0 to 9 डिस्प्ले कर सकता है, 0 to 9 डिस्प्ले कर सकता है, पर जो ये है ये क्या है हमारा एमएसबी, एमएसबी मतलब क्या, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब सबसे आगे वाला बिट, उसको वो कौन सी वैल्यू ले सकता है, आइदर 0 या तो फिर 1, इन दोनों के अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकता, इन दोनों के अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकता, और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ओवर रेंजिंग का कॉन्सेप्ट, राइट, ओवर रेंजिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें ये जो हाफ है ना, ये हाफ को ही ओवर रेंजिंग बोला जा रहा है, कि एक्चुअल में 3 तक डिजिट्स का रेंज था, पर ओवर रेंजिंग के कारण यहां पे एक और डिजिट आ गया है जो कि वैल्यू ले सकता है 0 to 1। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार्जेस्ट नंबर कहां से आएगा, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 9 शो कर दो, यहां पे 9 शो कर दो, यहां पे 9 शो कर दो, और इसमें से लार्जेस्ट नंबर चूज करोगे तो 0 और 1 में से क्या जाएगा 199। तो यहां पे अगर आपको 3.5, ये क्या है, फॉर 3.5 ये आपका लार्जेस्ट नंबर शो किया जा सकता है, जो कि है आपका ऑप्शन सी, राइट, ये आपका ऑप्शन सी है। अगर ऐसे में अगर 4.5 दिया जाता तो, 4.5 के केस में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 4.5 में क्या होता है, पहले तो 4 आपके डिजिट्स होते ही जो आपके 0 to 9 तक वैल्यू ले लेते, ठीक है, और अगर लार्जेस्ट निकालना होता तो 999 रख देता मैं, और जो लास्ट वाला है वो हाफ या 0 या 1 में से कोई वैल्यू लेता, तो लार्जेस्ट के केस में 1 वैल्यू लिया, तो आपका ये लार्जेस्ट वैल्यू आपका शो होगा 4.5 केस में, है ना, 4.5 केस में ये आपका लार्जेस्ट वैल्यू शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1999 शो हुआ 3.5 में, 4.5 में कितना होगा, 19999 की वैल्यू शो होगी, राइट। 2.5 में कितनी वैल्यू शो होगी, 2.5 में देखो 199, मतलब कि ठीक है 199 वैल्यू शो होगी, ठीक है। 1, 1.5 में कितने शो होगी, 19 तक वैल्यू शो होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं रिजोल्यूशन में कितना फर्क पड़ेगा इसमें। तो अगर मेरे को 3.5 बोला जा रहा है तो यहां पे रिजोल्यूशन आपका कैसे मेजर होगा, रिजोल्यूशन जो होगा आपका वो हो जाएगा 1/ ये जो वैल्यू है ना मैक्सिमम वैल्यू, इसको लिख दो आप, तो 199 की जगह हम 2000 लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। तो ये आप हो जाएगा आपका रिजोल्यूशन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा रिजोल्यूशन, जो कि आपका आएगा 0.000 और ये 5, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको, इतना ही आ रहा है कि नहीं, कोई जीरो का तो दिक्कत नहीं हो रहा ना हम देखो, हाँ करेक्ट है। तो ये आपका हो गया रिजोल्यूशन। और अगर 4.5 के केस में निकालना होगा तो रिजोल्यूशन अगेन क्या होगा, ये हो जाएगा 1/200, ठीक है। क्यों लिख रहा हूं मैं 200, देखो 1999, आप क्या करो 1/1999 भी लिखोगे तो भी सेम होगा,
पर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगा, आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि पॉइंट बहुत लंबा है इसलिए हम डायरेक्टली उसको 2000 लिख दे रहे हैं। वैसे ही वहां पे भी 119,999 से डिवाइड करने के बजाय आप यहाँ पे 20,000 लिख दो तो भी आपका सेम आंसर आएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा वैल्यू है यहाँ पे, राइट, जीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, 0.000 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 199 भी करोगे तो भी वही वैल्यू आएगा, राइट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था ओवररेंजिंग का, जिसमें हमने सिंपल से डिस्कस किया कि वन डिजिट में ये होता है, रिजोल्यूशन यूज होता है, टू डिजिट में ये होता है, थ्री डिजिट में वो होता है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हम डिस्प्ले कर सकते हैं सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में, रिजोल्यूशन क्या क्या होता है वो डिस्कस कर लिया, ओवररेंजिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। ओवररेंजिंग मतलब क्या होता है, जो ये एक्स्ट्रा जो ये दिया होता है ना, ये इसको हम ओवररेंजिंग बोलते हैं। ओवररेंजिंग में अगर हाफ गिवन है, अगर हाफ गिवन है तो आपका ये जो हाफ है वो उसके कारण क्या होगा कि जो आपका एक और डिजिट ऐड हो जाएगा जो कि एमएसबी होगा, वो आपका जीरो और वन के, जीरो और वन में से कोई दो, कोई एक वैल्यू आपका ले सकता है, राइट। पर हमको अभी डिस्कस करना था लार्जेस्ट नंबर का, तो लार्जेस्ट नंबर के केस में मैं लार्जेस्ट नंबर लिया वन को, इसलिए यहां पर डिस्कस किया वन लेकर, ठीक है। अगर यहां पर एक्स्ट्रा, यहां पर अगर ऐसा दिया होता मेरे पास 4, 3 by 4, ठीक है, 4, 3 by 4 गिवन होता, तो उस केस में क्या होता कि ये जो आपका MSB है, MSB है, वो कौन कौन सी वैल्यू लेता, वो आपकी वैल्यू लेता 0, 1 और 2, ये तीन वैल्यू ले सकता था आपका MSB, राइट, 0, 1 और 2। तो उस केस में आपका जो वैल्यू जाएगा वो कहां से कहां तक जाएगा, 29999 तक, राइट, ऐसे करके। रिजोल्यूशन क्या था, 1 by 30,000, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका ओवररेंजिंग का, जो आपका ये देखो ये वाला क्वेश्चन आया था आपका डिजिटल वोल्टमीटर का ओवररेंजिंग कॉन्सेप्ट से आपके एसएससी जेई में, जो मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिया है। तो अब आपका सीआरओ भी कंप्लीट हो गया, डिजिटल वोल्टमीटर भी कंप्लीट हो गया, अब हम चलेंगे एसी ब्रिजेस की ओर, तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए best books और test series का link मैंने description में दे दिया है। और अगर आप हमारा Telegram channel join करना चाहते हैं तो उसका link भी मैंने description में और first comment में दे दिया है। तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए have a good day. See ya.